रंगरूट, तुमने हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश की? जी, टेरिटरी? और टेरिटरी मींस ऑफिस। क्या तुम मेरे ऑफिस में गए थे? प्रिंसिपल साहब, गया था। इसका मतलब तुमने मेरी एलओसी क्रॉस की? आई बेग योर पार्डन, नो एंट्री में एंट्री। मेरी परमिशन के बगैर मेरे ऑफिस में घुसने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? हाँ मास्टर जी, की वो मैं। देख रविंदर, तू ये बकरी की तरह ना मिमियाना छोड़ दे और सीधे सीधे प्रिंसिपल साहब को जवाब दे, नहीं तो मैं ये तेरे सारे गैंग को ना उल्टा टांग दूंगा, समझे? वो मास्टर जी, मैं रोहन और सारा को टेडी बेयर दिखाने गया था। वो टेडी बेयर मुझे बहुत पसंद आया। टेडी बेयर? मतलब तू इन सब को प्रिंसिपल के ऑफिस में टेडी बेयर दिखाने गया था ना? लेकिन टेडी बेयर तो लड़कियों के पसंद की चीज है ना? गोल माल है भाई, सब गोल माल है। पर मास्टर जी, मुझे भी बहुत पसंद है। तो तुझे टेडी बेयर के साथ प्रिंसिपल का मेडल भी अच्छा लगा होगा? हाँ, वो प्रिंसिपल साहब ने मुझे खुद ही दिखाया था। तब इन्हें पता नहीं था कि वो एक चोर को तिजोरी दिखा रहे हैं, समझे? चोर? मैं चोर नहीं हूँ। तू चोर नहीं है, मान लिया रविंदर कि तू चोर नहीं है, फिर तेरे ऑफिस से निकलने के बाद तो बेटा वो मेडल कहाँ चोरी हो गया? मैं सच कह रहा हूँ मास्टर जी, मेडल तुमने वही देखा था। हाँ सर, हम सिर्फ टेडी बेयर लेके वापस आ गए थे और किसी चीज को छुआ तक भी नहीं। मास्टर जी, हमसे बस ये गलती हो गई कि हमने आपसे पूछा तक नहीं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, अब से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे मास्टर जी, प्लीज। अटेंशन, यस अटेंशन, दुश्मन ने हमारे इलाके में हमला कर दिया है। रोशन सिंह पटियाला, बटालियन को तैयार करो, ये हमारी इज्जत का सवाल है। बटालियन? सर के कहने का मतलब है कि जांच शुरू करो, जांच। यस यस, किसी भी सूरत में मुझे मेरा मेडल चाहिए तो चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? जी सर। यू बेटर अंडरस्टैंड, फॉलो मी। यस सर। कहने से हम थोड़ी चोर होते हैं रविंदर, हमने थोड़ी मेडल चुरा है। पर मास्टर जी तो यही सोचते हैं ना, तू चाहता है कि सब लोग हमें चोर कहें। नहीं नहीं नहीं, इसलिए हमें वो मेडल ढूंढना पड़ेगा और वो मेडल ढूंढ के हमें प्रिंसिपल सर को देना पड़ेगा, तभी वो हमारे पर विश्वास करेंगे। इसके लिए आज मैंने खाना भी नहीं खाया। वे रविंदर, तूने भी खाना नहीं खाया? मैंने भी खाना नहीं खाया, मेरा तो टिफिन ही चोरी हो गया। अरे हाँ रविंदर, मुझे तुम तीनों को कुछ बताना था। वो क्या हुआ ना, वो जो नई वाली क्लिप थी ना, वो आज गायब हो गई, पता नहीं किसने ले ली। अरे हाँ, वो मेरा स्केच पेन का बॉक्स था ना, वो भी चोरी हो गया। तो जैसा छुट्टी में ड्रॉइंग करूंगा, पर सारा प्लान चौपट हो गया। मुझे तो लगता है कोई तो है जो सबकी चीजें चोरी कर रहा है। हाँ।
सबकी चीजें एक साथ कैसे गायब हो सकती है? हमें इसका पता लगाना पड़ेगा। ये भगवान, आंखें की बटन दिखाई नहीं देता क्या तुमको? अब सब कुछ पूरा फिर से साफ करना पड़ेगा। और ये राजधानी एक्सप्रेस बना कहां भागा फिर रहा था? मैं फिर नहीं रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ मैं। किसे ढूंढ रहे हो? मैं तो यहीं बैठी हूँ। इतनी तुम तो यहीं बैठी हो। चोर ढूंढ रहा हूँ मैं, चोर को। चोर? अरे खोतिया, यहाँ पे चोर कहाँ से आ जाएगा? चोर आ नहीं जाएगा, आ गया है। पता है तुम्हें, प्रिंसिपल साहब का मेडल चोरी हो गया, मेडल। और वो जैसे रावण हनुमान के पीछे आग लगा रखी थी उसने, वैसे प्रिंसिपल गुप्ता कुलसट मेरे पीछे आग लगा रखी है। हंसो मत, पता क्या बोलता है? कहता है मैं तेरी मूछें काट दूंगा, कभी कहता है तुझे काबुल के बॉर्डर भेज दूंगा, और कभी कहता है तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। वो सब उस कमीने चोर की वजह से हो रहा है। अगर वो चोर मेरे सामने आ जाए ना, तो मैं उसका हाथ पकड़ के अब प्रिंसिपल सर के सामने ले जाऊं और बोलूं, सर ये रहा चोर, कर लो जो करना है। फिलहाल तो तू ही मुझे चोर लग रहा है। हैं? मैं चोर नहीं, चुप। मुझे कक्षा में क्यों लाया हो? इसलिए लाया हूँ कि मुझे उस रविंदर के बच्चे के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं, और मुझे शक है कि प्रिंसिपल का मेडल उस रविंदर के बच्चे ने चुराया, तभी आज मैं उसका बैग चेक करने आया हूँ। ऐसा कर, तू गेट पर खड़ा हो जा, जब कोई आए तो मुझे बता दियो, और तू इस खिड़की के पास, खिड़की से देख के कोई आना रहा हो, ठीक है? जल्दी चल, जैसे ही कोई आए तो मुझे बता देना, ठीक है? ऐसा कर, रविंदर का बैग चेक कर, हो ना हो कहीं मेडल उसके अंदर ना हो। मेडल चेक कर। मास्टर जी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या, इसमें मेडल नहीं है? तुम ऐसा कर, रोहन का बैग चेक कर, कहीं ऐसा ना हो कि इसने मेडल चुरा कर रोहन के बैग में रख दिया हो। देख जल्दी।